हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीएसई आईओ का डीवी और साइकोमेट्रिक टेस्ट का एनालिसिस। कैंडिडेट्स ने टेलीग्राम चैनल पे जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से मैं आपको एनालिसिस दे रही हूँ। अगर आपको उन कैंडिडेट से डिटेल में खुद जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वो काम ना करे तो सर्च कीजिए शिवानी 212121 और आइए और कैंडिडेट से खुद बात कर सकते हैं। तो जितना कैंडिडेट्स ने बताया है कि कैसे क्या ड्यूरेशन है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। शॉर्ट वीडियो ही रखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हों। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो साइकोमेट्रिक टेस्ट का ड्यूरेशन आपका 30 मिनट्स का है ओवरऑल, जिसमें आपको 20 मिनट्स मिलेंगे 120 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। वो जो 120 क्वेश्चंस होंगे वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होंगे, मतलब कि आपको सिचुएशंस दिए जाएंगे या नॉर्मल आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपकी लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि आपको पार्टी करना पसंद है, आप किसी की हेल्प करके इंजॉय करते हो, आपको क्या चीज़ें पसंद है, सोना पसंद है, इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे। और 5 ऑप्शंस रहेंगे, एक तो स्ट्रांगली डिसअग्री, दूसरा डिसअग्री, तीसरा न्यूट्रल, चौथा अग्री और पाँचवा स्ट्रांगली अग्री। तो ये 5 क्वेश्चंस ऑप्शंस रहेंगे, सारे क्वेश्चंस में सेम ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको ऑप्शंस टिक करने हैं, आपको 20 मिनट में 120 क्वेश्चंस करने हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, एज सच हैवी नहीं है, आप समझ ही सकते हो। जो भी आप अपने आप को जानते हो तो जल्दी जल्दी आप टिक कर लोगे, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। उसके बाद 60 क्वेश्चंस होंगे जो पिक्चर बेस्ड होंगे, मतलब वो नॉन वर्बल होंगे, उसमें आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। अब ये किस टाइप के क्वेश्चंस है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट ने एग्जांपल दिया है कि एक स्पाइडर था, लड़का देखकर उसे डर गया, तो आप क्या करते उस सिचुएशन में, सेम रिएक्ट करते, नॉर्मल रिएक्ट करते या रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये ऑप्शंस रहेंगे, उसमें कोई भी प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स खुद बता रहे हैं। और आपके जो भी आपने फॉर्म फिल करते वक्त आपने डिटेल्स भरी हैं उसको वो बहुत अच्छे से चेक कर रहे हैं डीवी के टाइम पे, ठीक है। जो भी आपने स्पेलिंग्स लिखी हैं, सीरियल नंबर्स डाले हैं सर्टिफिकेट्स के, वो सारी चीज़ें वो बहुत थरली चेक कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात भी उन्होंने बताई है कि आपके मेंस के जो कॉपीज़ हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की जो कॉपीज़ हैं, उससे वो आपकी हैंडराइटिंग भी चेक कर रहे हैं। 2 फोटोज ले जाने की जरूरत है, एक वो लेंगे और एक आपके एडमिट कार्ड पे रहेगी। एडमिट कार्ड का आपको प्रिंट आउट लेके जाना है, 2 आप कॉपीज निकाल लीजिएगा उसकी। सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी प्रिपेयर करने की आपको जरूरत नहीं है, आप जिस टाइप के इंसान हैं वही आपको वहां पे जाके बताना है। और आपको झूठ नहीं बोलना है, जिस तरीके का आपका नेचर है, जो भी आपका बिहेवियर है, जो भी उस सिचुएशन में आप करते वो आपको जल्दी जल्दी बताना है। इसलिए इसका ड्यूरेशन इतना कम है ताकि आप ज़्यादा नहीं सोच पाओ और आप एकदम जेन्युइन आंसर्स दो, नेचुरल होके आंसर्स दो, क्योंकि ज़्यादा सोचने का टाइम मिलेगा तो ऑब्वियसली आप बनावटी आंसर्स दोगे। और इसमें एक और एग्जांपल दिया है, जैसे कि एक आदमी गिर गया है कहीं पे, तो उसको हाथ देके उठा रहा है एक बच्चा, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते, वैसे ही सेम रिएक्ट करते, नॉर्मल रिएक्ट करते या कुछ रिएक्ट नहीं करते। सिंपल ऑप्शंस है, सिंपल क्वेश्चंस है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी 17 को मेरा टेस्ट है भोपाल में, तो टेस्ट देने के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी, कौन कौन से क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे तो वो मैं डिटेल से बताऊँगी। उसके बाद जिसका भी साइकोमेट्रिक टेस्ट है, बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिएगा वो वीडियो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, कैंडिडेट्स के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ था आज, बाकी जो भी क्वेश्चंस है आप कैंडिडेट्स से वहीं पे पूछ सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा @shivani212121। चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, बाय बाय।